कहते हैं बच्चे मुख में लू लहरा डाल दो। कौन सा लू लहरा है? बाप की याद ही लू लहरा है। तुम आत्मा शांत में अपने स्वधर्म में रहती हो। सचमुच में ये जानती है कि हम आत्मा है, परंतु परमात्मा बाप को कोई नहीं जानते। तो सतयुग के देवता ही ऊंचे ठहरे या तुम ब्राह्मण ऊंचे ठहरे? क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में ज्ञान है, सतयुग में जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होंगे उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं होगा, और वो राजाई भगवान से लेंगे या देवताओं से लेंगे? वो देवताओं से राजाई पावेंगे और तुम डायरेक्ट भगवान से राजाई पाते। जैसे बोला कि आत्मा रूपी सुई की कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। रहस्य तो कोई समझ नहीं सकते। जानते हो हमको एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेना है? कभी कोई पूछे तो बोलो, वहां स्वर्ग में तो विकार का नाम निशान नहीं होता है। वो तो वॉइसलेस वर्ल्ड है। पांच विकार वहां पर होते ही नहीं है। पांच विकारों का बाप देहाभिमान भी वहां नहीं होता है। रावण को कितने सिर दिखाते हैं? पहले पांच। पहले पांच विकार दिखाते हैं, फिर पांच स्त्री मुख दिखाते हैं, प्रकृति के पंच महाभूत। ये दस सिर रावण के दिखाते हैं, और उनका बाप कौन दिखाते हैं? रावण के सर पर कौन बैठा हुआ है? गधा। तो इस दुनिया में तो देहवान होता है, वहां तो देहवान हो गए ही नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी बांधते हैं, वहां तो राम का राज्य होता है। देह अभिमानी होने का सवाल ही नहीं। वहां पर तो होते ही ये मोहजीत।